पंडित जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बृहस्पति कैसे महिलाओं के जीवन में योगदान करता है, वैवाहिक जीवन को कैसे सुखद बनाता है। पंडित जी, आजकल शादी में बड़ी देरी होती है और खासकर अगर लड़कियों की शादी में देरी होने लगे तो पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। तो अगर शादी में देरी हो रही है तो बृहस्पति को मजबूत बना करके कैसे शीघ्र विवाह के लिए उपाय किया जाना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, अगर बृहस्पति कमज़ोर है कुंडली में और उसकी वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो आप उसे मजबूत बनाने के उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति खराब है तब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा बेहतर समय आने का, कि जब बेहतर समय आए तब शादी की जाए। तो जैसा प्रवीण जी ने कहा कि अगर किसी लड़की के विवाह में विलंब हो रहा है तो पक्की तौर पर बृहस्पति इन्वॉल्व होगा उसमें, या तो वो कमज़ोर होगा या तो खराब होगा। तो उसे बेहतर कैसे करें कि शादी जल्दी हो? पहला काम, रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल अर्पित करेंगी। दूसरा काम, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगी और एक सोने का या पीतल का छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पति वार को धारण करिएगा। और सप्ताह में एक बार किसी भी धार्मिक स्थान पर जा करके आप प्रार्थना करिएगा। आप जिस भी धर्म की मानने वाली हैं, जिस भी संप्रदाय की मानने वाली हैं, उसके धर्म स्थान पर जा करके ईश्वर से प्रार्थना करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब अगर बृहस्पति की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो इसका सीधा समाधान ये नहीं है कि आप पीला पुखराज पहन लीजिए। सोच समझ कर पुखराज पहनिए। मान लिया सप्तम भाव में ही बृहस्पति बैठा हुआ है और विवाह में विलंब हो रहा है और आपने पुखराज पहन लिया तो शादी होना असंभव हो जाएगा। इसीलिए विवाह नहीं हो रहा है तो सीधे पुखराज पहन लिया जाए, ये कोई सलूशन नहीं है। पीला पुखराज आप पहन सकती हैं लेकिन सोच समझ के ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, कुछ स्थितियों में ज़रूर पीला पुखराज पहन लेने से महिलाओं का विवाह जल्दी हो जाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।